हम सुनेंगे महान एंटनी ऊपर जाओ। ब्रूटस की ओर से आप चाहता उसने ब्रूटस के बारे में क्या कहा? उसने कहा कि ब्रूटस की ओर से हम सभी का आभारी है। ये ब्रूटस के बारे में एक शब्द भी ना बोले इसी में इसकी भलाई है। सीजर महत्वाकांक्षी था। हाँ अच्छा हुआ उससे हमें छुटकारा मिला। रोम की निवासी मेरी बात सुनो। दोस्तों वो रोम के निवासियों मेरी बात सुनो। मैं यहाँ सीजर को दफनाने आया हूँ ना कि उसकी प्रशंसा करने। बुरे कर्मों के बारे में तो मृत्यु के पश्चात भी बोला जाता है और अच्छे कर्म अक्सर दफन होकर के रह जाते हैं। महान ब्रूटस ने आप सभी से कहा कि सीजर महत्वाकांक्षी था। यदि यह सच है तो यह बहुत ही बड़ी गलती है और सीजर ने इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकाई है। यहां मैं ब्रूटस को अन्य की आज्ञा से, क्योंकि ब्रूटस एक आदरणीय शख्स है इसलिए वे सब सबके सब आदरणीय शख्स हुए। सीजर के अंतिम संस्कार पर आपसे कुछ कहना चाहता हूं। वो मेरा दोस्त था, भरोसेमंद व न्यायप्रिय, लेकिन ब्रूटस कहता है कि वो महत्वाकांक्षी था और ब्रूटस एक आदरणीय शख्स है। उसने बहुत से कैदियों को बंदी बनाया। उसकी फिरौती की रकम किसकी जेब में जाती थी? क्या यही उसके महत्वाकांक्षी होने का सबूत है? जब भी कोई गरीब रोया सीजर उसके साथ रोया। महत्वाकांक्षा दरियादिली नहीं देखती, फिर भी ब्रूटस कहता है कि वो महत्वाकांक्षी था और ब्रूटस एक आदरणीय शख्स है। आप सभी लुपरगर के दिन जानते हैं कि मैंने उसे 3 बार राजसी मुकुट सौंपा और उसने उसे 3 बार ठुकरा दिया। क्या यही उसकी महत्वाकांक्षा थी? फिर भी ब्रूटस कहता है कि वो महत्वाकांक्षी था और निसंदेह वो एक आदरणीय शख्स है। मैं यहां ब्रूटस को गलत साबित करने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो वही बोल रहा हूं जो मैं जानता हूं। आप सभी उससे प्रेम किया करते थे कभी, फिर क्या कारण है कि उसकी शोक सभा में आप आंसू नहीं बहा रहे हैं? रोम के निवासियों, क्या आपकी निर्णय लेने की क्षमता सीजर के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी यादें अभी भी सीजर के साथ उसके कब्र में दफन है और मैं तब तक कुछ नहीं बोलूंगा जब तक वो वापस ना आ जाए।